नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो कि इंदौर में होने वाला है। हम आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। 8, 9 और 10 जनवरी को बहुत बड़ा आयोजन इंदौर में होगा। इसकी जिम्मेदारियां जो है वो अधिकारियों को हमें बताया जा रहा है कि सौंप दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर साफ सफाई की तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र, किस तरह से जो तैयारियां अभी तक चल रही थी, क्या उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया? प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, किन किन अधिकारियों को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में जो सबसे बड़ा आयोजन होना है 8, 9, 10, 11 और 12, ये जो 5 दिन है इंदौर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी बड़ा आयोजन। सबसे पहले बात करें हम 8, 9 और 10 तारीख की, तो इस दिन जो NRI सम्मेलन होना है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ पर होना है, वो काफ़ी बड़े स्तर पे किया जा रहा है। उसी को लेकर आज यहाँ पर एक समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें जितने भी तमाम अधिकारी हैं जिनकी इनमें ड्यूटी लगाई गई है, जिनको तैनात किया गया है, तकरीबन 80 से अधिक यहाँ पर ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे कर्मचारी हैं जिनको यहाँ पर यहाँ जो एक बड़ी जवाबदारी यहाँ पर दी गई है। उसी के साथ साथ हम बता दें आपको, यह जो जवाबदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पे जो VVIP मूवमेंट होगा और उसके दौरान जितने भी NRI यहाँ पर आएंगे, जो प्रवासी भारतीय यहाँ पहुँचेंगे, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर जो है संभाल कर अंदर पहुँचाना, उनकी व्यवस्थाएँ करना, उसी को लेकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर की गई थी। 80 अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम और सेल्टेक्स विभाग के ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की व्यवस्था सौंपी गई है। बिल्कुल, लेकिन धर्मेंद्र, अगर हम बात करें 8, 9 और 10 जनवरी में से, 9 जनवरी जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। क्या उनका रूट तय हो चुका है, किस तरह से वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक पहुँचेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है 9 तारीख को। 9 जनवरी के दिन तकरीबन 9:25 पर इंदौर के विमानतल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। फिलहाल अभी ये बताया नहीं गया है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे विमानतल से, वो बाय रोड आएंगे या फिर वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा हेलीपैड पर पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि सुरक्षा के कारणों से हो सकता है कि अगर वो सीधे विमानतल से सेना के हेलीकॉप्टर से जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है उसके पीछे की साइड में एक हेलीपैड तैयार किया गया है, वहाँ पर अगर सीधे वो जो है हेलीकॉप्टर वहाँ उतार के उनको सुरक्षा की दृष्टि से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक पहुँचाया भी जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये जो है रूट तय नहीं हो पाया। लेकिन 9 तारीख को सुबह 9:25 पर इंदौर पहुंच जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, और उसी के साथ जो दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो भी उसी दिन वहां पर पहुंचेंगे। तो कुल मिला के जो 9 तारीख है उसमें पूरा काफ़ी बड़ा एक VVIP मूवमेंट रहेगा, और उसी को लेकर पूरी तैयारी यहां पर की गई है। हालांकि 8 तारीख के दिन पूरी तरीके से एक यहां पर अधिकारियों की मॉकड्रिल की जाएगी। मॉकड्रिल इस प्रकार से रहेगी कि जो एक किसी भी अधिकारी को यहाँ पर जो VVIP का दर्जा दिया जाएगा उस दिन, और एयरपोर्ट से उनको जो ब्रिलियंट तक पहुँचाने की जो मॉकड्रिल होगी वो यहाँ पर 8 तारीख के दिन की जाएगी, ताकि उसमें जिस प्रकार किसी प्रकार की अगर खामी भी होती है तो उसको दुरुस्त किया जा सके उसी दिन 8 तारीख के दिन, क्योंकि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किसी प्रकार की इसमें सुरक्षा में चूक ना हो, किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, उसी को लेकर यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि धर्मेंद्र कह सकते हैं कि सारी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो कर रखी है। अगर बाय रोड भी आते हैं तो उस प्रकार की भी व्यवस्थाएं, और अगर हेलीकॉप्टर से आते हैं तो वैसी भी व्यवस्थाएं। लेकिन अगर हम बात करें धर्मेंद्र ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के आसपास के एरिए की, तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जिस रोड पर है, सेम उसी रोड पर ही एक पेट्रोल पंप पड़ता है, एक हॉस्पिटल पड़ता है। चूंकि यहाँ अमूमन भीड़ लगी रहती है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रहने वाली है, या फिर ट्रैफिक को यहाँ से भी डाइवर्ट किया जाएगा? हाँ, देखिए, ट्रैफिक डाइवर्ट की तो वहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूँ, बापट चौराहे से जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, बापट चौराहे से
ब्रिलियंट तक का जो पूरा रोड है उसको यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी ही मूवमेंट वहाँ पर रहेगा। उसी के साथ बात करें अगर जो ब्रिलियंट के पास में पेट्रोल पंप की, तो पेट्रोल पंप भी ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दिन या 3 दिन तक उसको बंद रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सुरक्षा के कारण है, सुरक्षा की दृष्टि से उस पेट्रोल पंप को बंद रखा जाएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उसके साथ राष्ट्रपति भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो उसी को लेकर जो वहाँ का जो पेट्रोल पंप है उसको पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा, और उसके आसपास का जो पूरा एरिया है उसको ब्लॉक किया जाएगा। और बात करें अस्पताल की, तो अस्पताल तक अगर किसी इमरजेंसी सेवा को पहुंचना है, या एम्बुलेंस की बात करें, या फिर कोई ऐसा मरीज जिसको अस्पताल तक पहुंचना है, तो उसके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, उसको रोका नहीं जाएगा। हालांकि जो दूसरा यातायात है वो पूरी तरीके से वहां पर जो है बाधित रहेगा, यातायात किसी प्रकार से चालू नहीं किया जाएगा, उसको ब्लॉक किया गया है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं ब्लॉक जरूर की गई है रोड, लेकिन इमरजेंसी अगर होती है तो एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल तक आसानी से पहुंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक बैठक हुई, अधिकारियों को सबकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट की, तो सारी व्यवस्थाएँ उसको लेकर भी हो चुकी है। एक रिहर्सल, एक मॉकड्रिल अब की जाने वाली है जो कि 8 तारीख को होगी, वो भी पूरी करने की तैयारियाँ कर ली गई है, और यहाँ पर रोड भी ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन अगर इमरजेंसी होती है तो वहाँ अस्पताल है, वहाँ आसानी से लोग पहुँच सकेंगे। तो इसमें फिलहाल इतना ही, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।